दोस्तों हमारे हिंदी रेल ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन बटन ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ वर्किंग यानी संचालन पद्धति और उसके प्रकार के बारे में। दोस्तों हमने कभी देखा है कि कोई रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर कुछ देर तक खड़ी रहती है, पूछने पर पता चलता है कि जो रेलगाड़ी आगे गई है वो अभी तक अगले स्टेशन तक पहुंचा ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हमने कहीं पर यह भी देखा है कि एक रेलगाड़ी पहली सिग्नल को पार कर आगे चली जाती है तो पीछे से दूसरी रेलगाड़ी भी पीछे पीछे आती रहती है। तो दोस्तों हम लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जी हाँ दोस्तों, सभी रेलखंडों पर गाड़ियों को चलाने के लिए एक नियम बनाया गया है और उसी नियम के अनुसार गाड़ियां चलती है। इस नियम को संचालन पद्धति यानी सिस्टम ऑफ वर्किंग कहते हैं। दोस्तों जिसका परिभाषा है रेलवे के किसी भाग में कुछ समय के लिए गाड़ियों को चलाने के लिए जो सिस्टम अपनाई जाती है उसे सिस्टम ऑफ वर्किंग यानी संचालन पद्धति कहा जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ वर्किंग के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों इसे 6 भागों में बांटा गया है। पहला है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम यानी पूर्ण ब्लॉक पद्धति। दूसरा है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम यानी स्वचालित ब्लॉक पद्धति। तीसरा है वन ट्रेन ओनली सिस्टम यानी केवल एक गाड़ी पद्धति। चौथा है फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम यानी अनुगामी गाड़ी पद्धति। पांचवा है पायलट गार्ड सिस्टम। छठा है ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम। दोस्तों इसमें से एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम और वन ट्रेन ओनली सिस्टम स्थान अंतराल पर आधारित है। इसमें गाड़ियों को एक खास दूरी बनाए रखकर चलाई जाती है, जबकि फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, पायलट गार्ड सिस्टम और ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम समय अंतराल पर आधारित है। इसमें गाड़ियों को एक निर्धारित समय अंतराल पर चलाया जाता है। दोस्तों सामान्यतः भारतीय रेलवे में अधिकतर भागों पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम को ही अपनाया गया है। दोस्तों अब हम लोग सभी सिस्टम ऑफ वर्किंग के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। पहला है एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। तो इस सिस्टम में किसी भी रेलगाड़ी को ब्लॉक स्टेशन से तब तक नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि अगला ब्लॉक स्टेशन इसे चलाने की अनुमति नहीं दे दे। साथ ही साथ आगे वाला ब्लॉक स्टेशन इसे चलाने की अनुमति तभी नहीं देगा जब तक कि इससे पहले आने वाला गाड़ी पूरी की पूरी उसके यहाँ आ न गया हो, यानी दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच एक समय में केवल एक ही गाड़ी चल सकती है। दूसरा है ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। इसमें दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच के भाग को कई ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में बांट दिया जाता है और इस ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच कई गाड़ियां रह सकती है। तीसरा है वन ट्रेन ओनली सिस्टम। तो इसमें जिस रेलखंड पर यह सिस्टम अपनाया जाता है वहां एक समय में केवल एक ही गाड़ी रहती है। दोस्तों साथ ही साथ वह गाड़ी जब तक लौट कर अपने आधार स्टेशन को नहीं आ जाती है तब तक दूसरी रेलगाड़ी नहीं चलेगी। चौथा है द फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम। यह भी एक समय अंतराल पर आधारित संचालन पद्धति है। इसमें
पहले गाड़ी जाने के बाद दूसरी गाड़ी को चलाने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन द्वारा एक समय अंतराल निर्धारित किया जाता है जो कि कम से कम 15 मिनट होगा। पांचवा है पायलट गार्ड सिस्टम, यह भी एक समय अंतराल पर आधारित संचालन पद्धति है। इसमें ट्रेन को पायलट करने के लिए एक रेल सेवक को रखा जाता है जिसे पायलट गार्ड कहते हैं। इसमें भी समय अंतराल कम से कम 15 मिनट है। छठा है ट्रेन स्टाफ और टिकट सिस्टम, यह भी एक समय अंतराल पर आधारित सिस्टम है जो कि कम से कम समय अंतराल यहाँ भी 15 मिनट है। दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।